हेलो दोस्तों, माय सिंपल गाइड पर एक नई वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपना आयुष्मान कार्ड घर बैठे ही खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर बनवा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की सहायता से आप बड़ी आसानी से फ्री में अपने आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। साथ में आपका या फिर आपकी फैमिली में अगर किसी का आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप अपना या फिर अपनी फैमिली में से किसी का भी आयुष्मान कार्ड की कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में इस पोर्टल से ऑनलाइन बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने बने आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं, अपने KYC को कम्प्लीट करा सकते हैं। ये सारे काम आप कैसे कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको इस नई वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस पोर्टल की फीचर्स बताई गई हैं, यानी कि इस नए पोर्टल पर आप आयुष्मान कार्ड से जुड़े क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड बिना आधार कार्ड के बना है, तो उसमें आप अपने आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड में नए मेंबर को ऐड कर सकते हैं, अपनी eKYC को कम्प्लीट कर सकते हैं और अपने आयुष्मान कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां देखेंगे, आपको लॉगिन करने के लिए यहां पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहां पर एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे स्कीम में ऑटोमेटिकली PMJAY सिलेक्टेड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को चुनना है, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले को चुनना है, उसके बाद आपको चुनना है कि किस तरीके से आप अपने नाम को सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपकी फैमिली में से किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना है, तो यहाँ पर फैमिली ID से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे आसान है कि आप अपने आधार नंबर के थ्रू यहाँ पर अपने नाम को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर को आपको चुन लेना है, उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट आधार नंबर को यहां पर एंटर करना है और उसके बाद सर्च आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी, वो कुछ इस तरह से होगी। आपके फैमिली मेंबर्स की पूरी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी। यहां से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी फैमिली में से किन मेंबर्स का आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बना है और किन मेंबर्स का बन चुका है। अगर आपका या फिर आपकी फैमिली में से आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पर eKYC स्टेटस में वेरीफाइड लिखा होगा और कार्ड स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स का आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पर eKYC स्टेटस में वेरीफाइड और कार्ड स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपको अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करना है, तो राइट हैंड साइड में डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके आप अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपको आधार OTP ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना होगा। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP के थ्रू आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन को पूरा करते हैं, अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे, आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी भी मेंबर का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली फैमिली मेंबर को चुनना है और नीचे डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप अपने फैमिली मेंबर की डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। नए मेंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।